डिस्क्लेमर, ये वीडियो बहुत ही टॉक्सिक है। अगर आपको फालतू का टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए तो एक काम करो, या तो ये वीडियो मत देखो, और अगर वीडियो देखना ही है तो भाई म्यूट करके देखो, घर वालों के सामने बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि मुझे अपने लैंग्वेज पे कोई भरोसा नहीं, कब क्या कहाँ निकल जाएगा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जो पता नहीं खुद को क्या समझता है, पर जो भी समझता है बहुत गलत समझता है। अबे खुद बोल रहा है कि एवरीथिंग एंड ऑन माई साइड। पहली बात तो ये इंग्लिश गलत है, पर हम उस पर नहीं जाएंगे। और फिर खुद ही गांडू की तरह वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहा है। अजीब काट पीस है रे तू, क्या क्या चाहता क्या है रे तू, चाहिए क्या तुझे? हर वीडियो पे ये सेनपाई नोटिस मी वाली चीज कब तक करेगा तू? कब तक करेगा भाई? इफ यू थिंक आई एम साइलेंट देयर इज अ रीजन। अबे भाई तो बोल ना, क्या रीजन है तो बोल ना भाई, बार बार क्यों भौंक रहा है, एक बार में बोल दे। वीकली हम पे 4-5 वीडियो बनाएगा तू, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तू, और हमें चाहिए अटेंशन। वाह भाई वाह भाई, हम में से कौन तेरे पे बनाया एक वीडियो? किसी ने बनाया? नहीं बनाया ना, और हमें चाहिए अटेंशन भाई। वाह भाई, देख भाई एक एडवाइस देता हूँ तुझे आज, गांजा फूकता है तो जरा महंगा वाला फूका कर। आई हैव ऑल द प्रूफ, तो मादर दिखाना, प्रूफ है तो दिखाना रे भाई, रोक कौन रहा है तुझे? किसी ने धमकी दिया तुझे कि भाई तेरे पे केस कर दूंगा अगर तू प्रूफ दिखाएगा तो? तेरी गान में उंगली डाल के, वही उंगली किसी ने तुझे सुंघाया? नहीं ना, फिर क्यों भौंक रहा है भाई? कोई प्रूफ है तो दिखा दे, और कोई काम नहीं है क्या? अजीब चीज है भाई, गली का कुत्ता देखा है कभी? वही जो कोई बंदा गुजरता है तो अपने आप भौंकने लगता है, वही बिल्कुल वैसा हरकत कर रहा है रे तू। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि तू गली का कुत्ता है, पर तेरी हरकत वैसी है। और उनके बारे में एक चीज़ तो पता ही है, जो कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो ज़्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं। बिल्कुल सेम है रे भाई, बिल्कुल मैच हो जा रहा है, 100% मैच हो रहा है भाई। देख भाई एक सीधी बात बोल रहे हैं, तुझसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू रहे ना रहे, मर जा, सेलिब्रिटी बन जा, या कुछ भी कर ले भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भौंकना बंद कर दे रे भाई। और पिछले दिन ये अल्ट्रिक्स को बोल रहा था ना कि एनिग्मा का हर बंदा टॉक्सिक है, वो तो है भाई, तू एनिग्मा को हेट करेगा तो तुझे तो टॉक्सिसिटी मिलेगा भाई, ये तो लॉजिकल बात हुआ ना। तू भी हम पे टॉक्सिक बन रहा है तो हम भी तुझ पे टॉक्सिक तो ज़रूर बनेंगे। पर तूने एक बात बताना भूल गया कि हम अपने मेंबर्स को अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं। भाई तो ऑलरेडी लगा के रखा है हमारे सर पर पे, उनसे जाके ज़रा पूछ कितना प्यार है हमारे बीच। और एक बात भाई, तू जो वीडियो डाला था ना मुकित के बारे में, हाँ भाई नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पे हिम्मत है, तेरे जैसा एनिग्मा को टिग्मा नहीं बोलता मैं। अरे उसे एनिग्मा बोलना नहीं आता, कवारे बेचारा। ओ सॉरी 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 सॉरी, से गलती हो गई रे। जो भी हो, वो बंदा जो भी किया, टॉक्सिक बना, प्यार किया, गाली दिया, तुझे गाली दिया, जो भी किया तेरे सर्वर पे जाके किया, नहीं ना कहाँ पे किया, हमारे सर्वर पे किया। कौन से सर्वर पे किया? एनिग्मा के सर्वर पे किया। तो तेरी क्यों जल रही है रे भाई, और तू हमारे सर्वर पे स्पाई काहे लगा के रखा है? अजीब हरकत है रे तेरी। तूने अक्टूबर 17 को एक वीडियो डाला था, वहाँ पे मैंने एक कॉमेंट भी किया था, उस कमेंट में एक बंदा टॉक्सिक रिप्लाई दिया था, तो तूने क्या किया, उस कमेंट को डिलीट कर दिया। ठीक है भाई, तब मैंने तुझे थैंक यू बोला था कि नहीं, तेरी अच्छी बात को मैंने अप्रिशिएट किया था कि नहीं? उस वीडियो पे भी तूने बहुत टॉक्सिक इंट्रो डाला था, पर मैंने फिर भी तुझे माफ करके बोला लेट्स हैव पीस। पर नहीं, तुझे तो पीस नहीं चाहिए, तुझे तो चाहिए हमारा लंड। कैसे चाहिए क्या तुझे, क्लियरली बोलना रे भाई, वाकई में लंड चाहिए हम सबका? एक बार बोलता हूँ भाई सुन ले, तेरे पे वीडियो बनाने का मेरा कोई शौक नहीं था,
इवन जब सर्वर पे कोई तेरे पे बात करता भी है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई बेकार लोगों पे बात मत किया कर, फालतू का टाइम वेस्ट मत किया कर, बवासीर लोगों को फालतू में इम्पोर्टेंस मत दिया कर। पर फिर भी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि तू काम ही ऐसा करता है भाई, अब क्या बोलूँ। एनीवे, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, जो कि तू देख रहा है, तो भाई सुधर जा। व्यूज़ बढ़ाने के लिए फालतू का कंट्रोवर्सी बेकार है, पुराना हो चुका है भाई। तू तो कैरी है नहीं, और ना ही हम हैं टिकटॉक के वीडियो बनाने वाले कि हम पे वीडियो बनाएगा तो तुझे मिलियन सब्स मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। और वैसे रील्स तो कोई और बना रहा है, और वो भी नेक्स्ट लेवल। कभी गलती से भी घर वाले को मत दिखा देना ऐसा रील्स, लड़का गलत रास्ते पे चला गया सोच के बहुत दुख मिलेगा उन्हें, बिल्कुल मत दिखाना रे भाई। और ये मैं घर वालों की बात कर रहा हूँ तो ये मत बोल देना कि घर वालों को गाली दे रहा है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे पूजनीय हैं, ठीक है। नो फालतू का कंट्रोवर्सी, गुड बॉय। और इसके यार गोकुल, तू भी सुधर जा। रन टाइम कितनी बार बोला, इन जूतियों के बारे में बात मत कर, फालतू का अटेंशन मत दे इन्हें। पर तू लोग भी अजीब है, क्या करता है रे कुत्ता? अगर रास्ते पे भौंकता है तो कोई उसका मजाक उड़ाता है? नहीं ना, फिर भौंकने देना भाई, इग्नोर मार। चल भाई मैं चला, रात बहुत हो चुका है, सोने चला मैं, तू भी सो जा भाई। सोना दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। चल भाई, बाय बाय।